परम सत्कार जोग सतगुरु जुग जुग अटल कल जुग के बोहित प्रगट गुरां की देश शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी निगी ते पावन गोद विच जुड़ी हुई गुरु खालसा सतसंग जीओ अदब ते सत्कार नाल गुरफतेह अर्ज कर रहे हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह अर्ज कीती है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी थोड़े उपर बड़ी नदरे रहमत है और उस रहमत नूं तुसी मान रहे हो। एक बड़ी बाखूबी गल नूं बयान कीता जा सकदा सी सभे सांझी वाल सदाएं किसे ना दसे बारा जीओ सबना मन माणक ठाहण मूल मचागवा जे तो प्रिया दी सिक हया ना ठाहे कही दा। जे भाई ए सारे हिरदे माणक मोदियां वर्गे ने तू किसे नूं ठोकर ना मार। और ए संदेश हुणे ही सूफी संत कलाम हैदर कादरी साहब जिहड़े नवाब मलेरकोटला दी ओ अंश वंश ने और उस शहर तो आए ने जिन्होंने कदे साडे लई हा दा नार मारिया सी। और उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी उपमा विच बहुत सारे शब्द आप जी नाल सांझे कीते ने और तिलंग राग दा शब्द आप जी नाल धन गुरु नानक साहब जी दा सांझा कीता है। और उस शब्द विच उन्होंने बोलदिया होया थानू ए भी दस्या है कि इहदे विच अरबी दे शब्द केड़े ने फारसी दे केड़े ने और गुरमुखी दे केड़े ने। और नाल ए भी गल कीती है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी एक अजिहा गुलदस्ता है जिन्हां विच 52 भाषावां ने समुचे संसार दीआं। और उन्हां 36 महापुरखां दी गल कीती है। मैं आप जी नूं बेनती करां सूफी संत बैठे ने सत्कारयोग बाबा लखा सिंह जी बैठे ने जिन्हां नूं विश्व धर्म सम्मेलन कराउण दा माण मिलिया है। मैं एक छोटी जी गल आप जी नाल करनी है। सारे ग्रंथ सत्कारयोग ने कादरी साहब मैं सारयां दा ही बड़ा सत्कार करदा है। कुरान शरीफ का भी सत्कार करदा है बाइबल का भी सत्कार करदा है गीता का भी सत्कार करदा है। पर मैं बेनती करा किसे ग्रंथ का प्रकाश पुरब नहीं मनाया जाता केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पुरब मनाया जाता है। किसे ग्रंथ का संपूर्णता दिवस नहीं मनाया जाता है केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्णता दिवस मनाया जाता है। किसे ग्रंथ का गुरता गद्दी दिवस नहीं मनाया जाता केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरता गद्दी दिवस मनाया जाता है। मैं बेनती करा किसे ग्रंथ नूं अज जिवें तुसीं लाइनां ला के खलोते हो एडी वड्डी गिणती में सिख संगत नतमस्तक होण नहीं आउंदी मत्था नहीं टेकदे। SGPC दी रिपोर्ट है दिल्ली कमेटी दी रिपोर्ट है सिरसा मेरे वीर बैठे ने सिरसा साहब जिन्ने लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नतमस्तक हुंदे ने किसे ग्रंथ नूं इन्ने लोग मत्था नहीं टेकदे। केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने माण मिलिया कौम बड़ी छोटी है पर गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सत्कार दिंदे आ। किसे ग्रंथ नूं इह सुंदर चंदोआ नहीं मिलिया किसे ग्रंथ नूं इह सुंदर रुमाल नहीं मिले। सचखंड श्री हरिमंदर साहब विच कदे कदे रोजाना कोई ऐसा दिन ऐसा नहीं हुंदा जदों 2 लाख दा 2.5 लाख दा पोशाका नहीं मिलता। यह गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं माण मिलिया किसे ग्रंथ नूं इस तरह का कदे माण नहीं मिलिया केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मिलिया। और गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच बाबा लखा सिंह जी होरां ने बड़ी सत्कारत हस्ती ने एडा वड्डा माण यह सारे धर्मां दे मुखी बुला के दिता है। यह माण किसे विरले नूं मिलदा है एवें नहीं बाबा लखा सिंह जी होरां नूं इत्थे चोला पहराया जांदा एवें धर्मां दे मुखी स्वीकार किया जाता है। मैं वीर सरदार सराम सिंह जी उप्पल साहब नूं भी बधाई दिंदा है जिन्हां ने इन्हां नूं सारयां नूं इकट्ठिया करके एक चंगा कार्य किया। दिल्ली कमेटी नूं बधाई दिंदा है। मैं बेनती करा यह हेमकुंड शब्दी जथा बधाई दे पात्र ने अज 35 साल हो गए इन्हां नूं झंडा गड्डे हुए नूं। और सरदार मनमोहन सिंह जी थोड़ी समुची टीम बधाई की पात्र है। तुसी हर साल ही एक वधिया समागम रच दिंदे हो और लखां दी गिणती में सिख संगत नूं संभालदे हो और गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नतमस्तक हुंदी है। और सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे जथे दूर दराडे तो महापुरशां नूं बुलाउंदे हो पर इस बार तुसी अपनी उंगल सत्कारयोग बाबा लखा सिंह जी नूं भी फड़ा दित्ती और की आख्या बाबा जी साडे नाल चलो
सर्वधर्म सम्मेलन करो, गुरु ग्रंथ साहिब जी नतमस्तक होइए, यह सिक्ख्या साडे परिवारां विच आ जाए, साडा भी कुछ सौर जाए, साडे परिवारां विच बरकतां आ जाण, खुशियां आ जाण। इस करके तुसीं वड्डी गिणती विच नतमस्तक होए हो। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बौरानन। जिहड़ा संसार है बौरा होया फिरदा, पागल होया फिरदा है, अज शांति चाहुंदा है। जे विश्व शांति चाहुंदे हो, मैं कि बेनती करा सारे विश्व धर्म सम्मेलनों में सत्कारयो बाबा लखा सिंह दे नाल दास नूं आउण दा मौका मिलता रहा है। मैं बेनती करना जिन्हें संत आए ने, सारे धर्मां दे आए ने, सारे धर्मचारी आए ने, सारे बधाई दे पात्र ने कि तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच सतगुरु नूं जिथे याद कीता है उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दी वडियाई विच कुछ शब्द कहे ने। किहड़े शब्द? अब्बल अलह नूर पाया, कुदरत के संबंधे एक नूर ते सब जुग उपजिया, कौन भले को मंदे। मैं बेनती करांगा बाबा लखा सिंह जी कुछ सन्मान करने ने, पर मैं बेनती करांगा सन्मान तो पहला सत्कार जो कादरी साहब जी साडे सूबी संत उन्होंने सन्मान करना पहले, पर उन्होंने सन्मान तो नाल ही मैं बेनती करांगा सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा साहब जिन्हों से बड़ी नजरे रहमत है सतगुरु जी की, और उन्होंने भी सत्कार किया जाना। मैं बेनती करांगा विशेष करके रोको कैंसर के मुखी चावला साहब आए बैठे ने, उन्होंने सत्कार सत्कार योग मेरे छोटे वीर ज्ञानी करनैल सिंह जी गरीब जिहड़े पहले स्टेज की सेवा निभाते सन, उन्होंने सत्कार। चढ़दी कला चैनल के संचालक दर्दी साहब आए ने, उन्होंने सत्कार। एडवोकेट सरदार सरताज सिंह जी तूर आए ने, उन्होंने सन्मान। और पीटीसी चैनल के प्रोड्यूसर और जिन्हां ते बड़ी नजरे रहमत है सतगुरु जी की बड़िया सेवावां निभाते ने, उन्हां दा सन्मान सानी साहब जी का, उन्हां नूं बेनती करांगा। सारी संगत का मैं विशेष करके शुक्रगुजार हाँ, क्योंकि पंथ प्रसिद्ध कीर्तनी है पैसा भाई निर्मल सिंह जी खालसा, पैसा भाई रविंदर सिंह जी, पैसा भाई इंद्रजीत सिंह जी बॉम्बे वाले, सारे सत्कारित हजूरी रागी ने, उन्होंने आप जी नाल कीर्तन की सांझ करनी है। मैं बेनती करांगा रोको कैंसर के संचालक चावला साहब सत्कार प्राप्त करनगे, सरदार सतनाम सिंह जी उपल साहब का सत्कार भी करना है क्योंकि उन्होंने भी सतगुरु ने एक बड़ा बड़ा मान दिता है। सरदार बिक्रमजीत सिंह जी सानी साहब को बेनती करांगा, बड़ी प्यारी शख्सियत के मालिक ने, उन्होंने भी सत्कार करना है। मैं बेनती करांगा सिपाही सतनाम सिंह जी उपल गुरु ग्रंथ साहब वर्ल्ड वेलफेयर मिशन के प्रधान ने और एक बड़ा कार्य कर रहे हैं, ये सारे सन्मान मानयोग सिरसा साहब नाल होके दे रहे हैं। और सरदार बिक्रमजीत सिंह जी सानी ते एक बड़ा माण है उन्होंने कि उन्होंने सतगुरु ने जिथे माया दिती है उत्थे एक बड़ा गुण दिता है कि वह वधिया गायक भी ने, और यह जिहड़ा गुण है ये किसी विरले नूं मिलता है। सरदार बिक्रमजीत सिंह जी सानी साहब इस सत्कार प्राप्त कर रहे हैं और पंजाबियों ने बड़ा माण दिता है। कदों भी कोई पंजाबियों का बड़ा समागम हुंदा है सानी साहब नूं संगत अखां ते बिठाउंदी है। मैं बेनती करांगा सत्कार नाल ये सारे जिन्हां दे मैं नाम लए ने वो सत्कार प्राप्त कर रहे हैं। सो ये सारे महापुरुष जिन्हां दा पहले सत्कार किया गया शुक्रगुजार हां ऋणी है। तूर साहब का सत्कार किया जा रहा है, चढ़दी कला चैनल के संचालक दर्दी साहब के योग सपुत्र आए ने, उन्हां दा भी सत्कार करना। मैं बेनती करांगा वह भी सत्कार प्राप्त करनगे जी। मैं बेनती करांगा जदों सन्मान हुंदे बाकी सारे बैठ जाओ जी। मैं बेनती करांगा बड़े अदब के नाल स्टेज पर, इस तरह नहीं लगता ये सन्मान हो रहे ने, कोई आप स्टेज पर इस तरह की भीड़ पाउण की लोड़ नहीं है। मैं जिहड़े नाम लए ने सिर्फ 5-6 सन, बाकी सारे सज्जन ते उंजी खलो गए आके। दर्दी साहब नूं बेनती करांगा सत्कार प्राप्त करनगे, हमेशा ही सहयोग देंदे ने। ज्ञानी करनैल सिंह जी गरीब साहब नूं सन्मान, क्योंकि मेरे तो पहले थोड़ा समा उन्होंने स्टेज का संचालन किया, उन्होंने भी सत्कार करना है। बाबा जी नाल प्यार करते हैं। मैं सत्कार नाल बेनती करांगा हेमकुंट शब्दी जथे दे सारे मैंबर बड़ा सहयोग दिंदे ने, सरदार मनमोहन सिंह जी, सरदार परमजीत सिंह जी पम्मी, सरदार रमनदीप सिंह जी, सरदार तजिंदर सिंह जी, सर गुरमीत सिंह जी, सर गुरप्रीत सिंह जी, सर गगनदीप सिंह जी, ये सारे बड़े सत्कारित मैंबर ने। बहुत सारे मैंबर साहबान के नाँ रह जाएंगे, इन्होंने कदे कोई सत्कार्य बाबा इंद्रपाल सिंह जी उन्हों का सत्कार करना। मैं बेनती करांगा अदब नाल वो भी सत्कार प्राप्त करनगे जी। मैं बेनती करा जिहड़े मैंबरां दे नाल आए ने, मैं बेनती करा इन्हां ते एक सतगुरु की रहमत है, इन्होंने कभी कोई प्रधान सकत्तर नहीं बनाया,
सतगुरु नूं नतमस्तक होके सेवा करदे ने और इन्हां सेवावां दे बदले विच ही एडे वड्डे समागम रचदे ने। कदी प्रधानगी ते सकत्री लई नहीं लड़े, सगों गुरु की सेवा नूं गुर सेवा ते सुख पाईआ, होर थे सुख ना पाल। सो मैं अदब नाल बेनती करांगा, ये सारे सत्कार किए गए ने। इंद्रजीत सिंह जी मोंटी मैंबर दिल्ली कमेटी, वह भी आए ने, उन्होंने भी बेनती करांगा, वह भी सत्कार प्राप्त करनगे जी। बड़े सत्कार नाल बेनती है जी। सत्कार जो सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहब, उन्होंने भी बड़े अदब नाल बेनती करांगा, बड़ी सत्कारत हस्ती ने, वह भी सत्कार प्राप्त करनगे जी। सिंह साहब जी को बेनती है, वह भी सत्कार प्राप्त करनगे जी। विक्की मान जी को बेनती करांगा, वह भी सत्कार प्राप्त करनगे जी। सारे सज्जणां नूं मैं बार बार बेनती की, तुसीं बैठण दा यतन करो। कैमरे की अख ने तुहानूं बैठिआं नूं भी फड़ लैणा ते खड़िआं नूं भी फड़ लैणा, जिथे बैठे हो कैमरा ते उत्थे भी चले जाणा। कोई इह सामणे आउण दे नाल यतन नहीं करो, सगो बैठ जाओ सारे। कैमरे की अख बड़ी तेज हुंदी है, सब नूं लै लैंदी है अपनी पकड़ विच। यतन करो, सारे बैठ जाओ। मोंटी जी नूं बेनती है, वह भी सत्कार प्राप्त करनगे जी। सिरसा साहब जी नूं बड़े अदब नाल बेनती करांगा, उपल साहब जी का सन्मान। सिरसा साहब तुसीं माइक ते आओ और संगत नूं थोड़े समय लई मुखातिब करो, होवोगे और संगत नूं बधाई दिओ और हेमकुंड शब्दी जथे नूं भी बधाई दिओ, बाबा लखा सिंह होरां नूं भी बधाई देनी है जी। सो मैं बेनती करांगा, मानजो जीके साहब हुणे ही होके गए ने और उस वेले विश्व सर्वधर्म सम्मेलन चलता सी, वो बोलना तो चाहते सन पर समय की बड़ी घाट सी। सो मैं बेनती करांगा, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा साहब के बोलने तो पहले सतगुरु की हजूरी में, गुरु की उस्तत, गुरु की शोभा में एक बड़ा जयकारा बुलाना, पता लगे गुरु ग्रंथ साहब जी नाल तुसीं दिल दीआं गहराइयां तों प्यार करदे हो। बोले सो निहाल। संगत वड्डी गिणती विच बैठे हो, लंगर भी छकिया है पर जयकारा बड़ा मठा आया। एक बार फिर बोले सो निहाल। सिरसा साहब जी नूं बेनती, आप जी नूं मुखातब होणगे जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन ते पवित्र हजूरी च सज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, गज वज के फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत वधाई दे पात्र जी, अज इलाके दियां सारियां संगतां नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे इत्थे चरण परसाद दा मौका मिलिया। गुरु गरीब नवाज ने साडे सारिआं ते रहमत कीती आ, बख्शिश कीती आ। इह वड्डियां रहमतां बख्शिशां उदों हुंदियां ने जदों मालक तुहाडे ते प्रसन्न होवे, जदों मालक आप दयावान होण, मेहरबान होण। मालक साडे ते अज मेहरबान ने, दयावान ने, इस करके मालक ने सच्चे पिता परमेश्वर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सानूं चरण परसन दा मौका मिलिआ। एक बहुत वड्डा उपराला कीता है संत महात्मा ने, बाबा लखा सिंह जी ने। मैं भी इन्हां दे नाल बहुत लंबे समय तो मेरा और मेरा परिवार जुड़िया हुआ, पर जिहड़ा ये इन्हां ने उपराला कीता है ये बहुत वड्डा उपराला है, क्योंकि साडे धर्म की जानकारी सानू है पर साडे धर्म की जानकारी बाकी धर्मां नू मिले। सर्व धर्म सम्मेलन के माध्यम तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पिता परमेश्वर के चरणों के दर्शन बाकी धर्मों के लोग कर सकन, इहदी अज बहुत लोड़ है। अज हर सिख नूं इह पता है कि जो उहदे ते बख्शिशां ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी करके ने, पर दुनिया के लोग ये नहीं जानते इस देश की जो अज बनतर आ वह भी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत करके और दसवें पातशाह जी दे उस रूप और स्वरूप करके आ, जिस दे करके अज सानू भी मालिक ने एक वखरा रूप और स्वरूप बख्शिया। अज अगर इस देश के अंदर असी खुली हवा के अंदर श्वास लैने तो साडियां गुरुआं दियां शहादतां करके आ, पर बहुत चंद लोग इस गल नूं जानदे ने, क्योंकि असी बहुत संकोच के रहे हैं। असी अपने धर्म का प्रचार और प्रसार गुरु घरां तों बाहर नहीं ले जा सके।
अज असी अगर अपने धर्म के उत्ते कोई मूवी भी बनानी हो ते दुनिया का सब तो औखा काम आ। मैं बहुत तुच्छ बुद्धि का जीव हाँ, पर मैं बड़ा हैरान हुंदा है जिन्हां साडे गुरुआं दीआं कुरबानियां ने यह देश अज उन्हां कुरबानियां दे करके टिकिया होया है। क्यों नहीं असीं अपने इस देश नूं दस पा रहे कि अगर वो इस खुली हवा के अंदर श्वास लै रहे ने उहदे पिछे इन्हां गुरुआं दीआं कुरबानियां ने, असीं दस नहीं पा रहे उन्हां नूं। अज तुसीं किसे भी गैर सिख नूं जाके अगर पुछो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब कौन ने, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज कौन ने, तो मैं नहीं समझता कि 1% लोग भी यह दस सकते होंगे कि उन्हां दा इस देश के प्रति की कुरबानी है, इस धर्म के प्रति की कुरबानी है। हर कोई यह दस सकता होगा कि वह सिखां दे गुरु ने, पर बहुत घट लोग यह जानते हैं कि उन्हां दी कुरबानी किसी सिख वास्ते नहीं, इस सृष्टि इस कायनात वास्ते आ, सर्व धर्मां दे वास्ते आ। अज अगर धर्म बचे ने तो उन्हां दी कुरबानियां दे नाल बचे ने, साडे लई बड़ा जरूरी आ। असी आपस के अंदर एक लड़ाई के अंदर फसे हुए हैं, साड़ी मानसिकता क्यों ऐसी बन गई। आज मैं इस मंच तो बोल रहा, हो सकता जाने जाने च मेरे तो भी कोई गलत अल्फाज बोले जान, की होएगा तुरंत उसनू फेसबुक से व्हाट्सएप से तुरंत उन्हें चलाया जाएगा। पर मैं पिछले दो दिन तो देख रहा है दो सिख नौजवानों ने अपनी दस्तार उतार के सत बच्चों की जान बचाई। सच जाने तुम अपने गुरु साहब की हाजरी च बैठे जे किन्या किने तुहाड़ियां चो व्हाट्सएप नूं अगे शेयर किया। मैं यकीनी तौर पर कह सकदा है तुहाड़े चो 2% लोग हथ खड़ा करके नहीं कह सकते कि तुसी उस व्हाट्सएप नूं अगे शेयर किया होवे जिथे दो सिख नौजवानों ने सत बच्चों की जान नूं बचाया अपनी दस्तार नूं उतार के, किसे 2% लोगों ने नहीं शेयर किया होगा। पर जाने जाने च अगर मेरे तो इस मंच से कोई गलती हो जाए तो सारे ताक लगा के खड़ोते ने कि किस तरीके असी इस सिरसे नूं इत बेइज्जत करांगे, किस तरीके के व्हाट्सएप चलावांगे, किस तरीके फेसबुक के उत्ते बेइज्जत करांगे। अपने सिख अपने सिखां दी पत्त लाउण ते लगे हुए ने, बड़ी हैरानगी दी गल आ। दूजे धर्मां दे लोग सानूं सट मारदे पए ने, साडे अपने धर्म के लोग भी सानूं सट मारदे पए ने। असीं सोचण नूं बड़े मजबूर हो गए हाँ। बाबा लखा जी ने जदों प्रोग्राम नूं उचारण रखिया है बड़े लोगों ने सवाल जवाब किए, आख्या जी देखो की करते पए ने, देखो जी सर्वधर्म सम्मेलन करा रहे हैं, देखो जी कितना धर्मां दी गल करदे पए ने। असी लोग समझ ही नहीं पा रहे, असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों के दर्शन कर ही नहीं पा रहे बाणी के राही। गुरु साहब ने जिन्ना वड्डा खजाना सानू दिता है, ये दुनिया साडे गुरु साहब के चरणों के अगे नतमस्तक होवे जे असी अपने आप नू अपनी सोच नू इना संकोच के ना रखिया होवे। कहड़ा ऐसा धर्म आ जिवें दस्या गया 52 जलंधर भाषावां के अंदर बाणी नू अर्चन किया गया होवे, कहड़ा ऐसा धर्म आ जिदे अंदर उन्होंने भी स्थान दिता गया हो जिन्होंने मंदिरों चो तक्के मार के कट दिता गया हो, गुरु चरणों के अंदर गुरु स्थान च गुरु ग्रंथ साहिब महाराज च उन्होंने स्थान दिता गया हो। वड्याई है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की। असी उस मालक के चरणों नाल जुड़े हाँ, उस मालक के बाणी राही मालक के दर्शन भी किए ने, पर उस मालक के आदर्श नहीं समझ सके। उस मालक ने सानू किन्ना उच्चा अहुदा बख्शिया, उस मालक ने साडी सोच नू किन्ना उच्चे उपर ले जाण दी सोचिया, वह असी कदी नहीं दर्शन कर सके उस मालक के चरणों च रह के। साडी सोच बड़ी संकोची गई, साडी सोच एक आ जे कोई सहजधारी साडे नाल जुड़ना चाहुंदा है, असी पहला ऐसियां कंडीशनां ने वह गुरु घर च आया जे गलती ना उहदे सिर तों रुमाल उतर गया ते साडे अंदर जिहड़े अंदर साडे सेवादार ने वह टुट टुट के पैणगे उहनूं टुट टुट के, ते भाई वह दूजे धर्म तों आया है, उहदी आस्था गुरु चरणां च सच्ची और पक्की आ, उहनूं इन्ना अटल विश्वास है गुरु चरणां दे उत्ते, तुसीं उहदे विश्वास नूं तोड़दे पए जे। सानू बहुत सोचण दी जरूरत है। मैं खास तौर पर अपने नौजवान दोस्तों के चरणों च बेनती करदा हां, आपां अपने कौम के आगुआं दीआं बुराइयां ना देखिए, बहुत सारिया बुराइया ने, हर इंसान के अंदर बुराइया ने। जब आप बुराइया देखने चलेंगे फिर बुराइया की कमी नहीं, किताबा दी किताबा हर इंसान की बुराइया के उत्ते बहुत वड्डियां किताबा लिखिया जा सकदियां ने। आपां नूं सोचण की जरूरत यह आ, आप गुरु चरणा के दर्शन करने हैं, गुरु चरणा के नाल जुड़ना है और इस गुरु की बाणी नूं संसार के अगे लेके जाना है, दुनिया नूं दसना है। ये दुनिया के भरम भुलेखे खत्म हो सकते हैं जेकर असी गुरु चरणा के नाल दुनिया नूं जोड़ दिए। मेरे ते बड़े किंतु परंतु किए जाते हैं, एक जगह मेरे ते यह भी किंतु परंतु किया गया कि तुसी एक जागरण च गए,
मैं अखबार ने मैंने पूछा कि तुसी जागरण च गए, मैं क्या जी गया, दोबारा भी जाने का मौका मिलेगा फिर जावांगे। स्टेज लगी सी जागरण की, स्टेज पर जाके भी असं अपने गुरु की गल की, दस्या साडा गुरु की कहिंदा, दस्या गुरु की बाणी की कहिंदी आ, क्यों गुरु कहिंदा है कि आप गुरु चरणा के नाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज क्यों हाजर नाजर गुरु ने, क्यों मूर्ति पूजा तो आप भरा रहना है, कारण की है पिछे। जे आप लोगों अपने धर्मां की गल नहीं दस सकेंगे, सानू एक तरह देश के अंदर एजेंसियां सानू एक अतवाद और वक्वाद रूप अंदर पेश कर दिया ने, सानू ए पेश किया जाता है कि केवल और केवल असं श्री साहब कट के बाहर चलने वाले लोग हाँ, जिहड़ा साडा असली मकसद आ, जिहड़ा साडा प्यार आ, जिहड़ा साडे दूजे धर्मां के प्रति सत्कार आ, जिहड़ा साडा वड्डे तो लैके छोटे नू एक प्रति समझण दा सत्कार आ, उसनू लोगों के अंदर प्रचार के अंदर कदी नहीं देखा जाता। बड़िया एजेंसियां सानू बदनाम करने लगियां ने और असं आप भी अपने आप बदनाम करने लगे हाँ। सो मैं अज बहुत धन्यवाद करदा हाँ बाबा जी का, विशेष तौर पर क्योंकि आपने सारे धर्मां के लोगों को इकट्ठा किया है, उन्होंने दसिया है कि असं सारे धर्मां का सत्कार करते हैं, असं सारे धर्मां का सत्कार करते हैं, पर बापू साडा यह नतमस्तक असं इस मालक के चरणों चा, मंगना इस मालक तो हाँ, सत्कार करना माड़ा नहीं किसी का भी, सत्कार सारे का करना है, पर चुकना इस मालक के चरणा चा के आ, जो नक् रगड़ना है उदो इस मालक के चरणा चा के मंगना है, जो चोली अड्डनी है उदो इस मालक के चरणा चा के अड्डनी है, उदो असी कभी किसी होर अगे चोली ना अड्डी है ना अड्डांगे, ना मालक साडे ते ऐसा दिन लिया सानू अड्डनी पवे। इस करके मैनू बड़ी खुशी आ कि तुसी इन्हां गल्लां दी परवाह ना करते हुए, लोगों की परवाह ना करते हुए इस बेड़े नू चुकिया है। परमात्मा तुहाडे अंग संग सहाई होणगे, दसवें पातशाह तुहाडे अंग संग सहाई होणगे, शहीदां दा पहरा तुहाडे ते लगूगा और दाता दतार तुहाडे तों आए नेक सेवा आप कराउणगे। यह जिहड़ा काज तुसी छेवां अज चलाया है, मैं यकीनी तौर पर कह सकदा हां दुनिया के अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का जो प्रचार और प्रसाद होना चाहिए सीगा, उहदा शायद बेड़ा मालक ने तुहाडे सिर ते पाया है, तुसी उस नूं अगे वधो, संगत तुहाडे नाल आ। सो मैं बेनती तुहाडे चरणां च करदा है, मेरा मकसद कोई किसी का दिल दिखाउणा नहीं, मेरा मकसद कोई किसी ते किंतु परंतु करना नहीं, पर मेरा एक मकसद जरूर आ, आपां अपने धर्म दीआं बुराईआं करनीआं बंद करिए। अंत अंदर एक गल कह के तुसी जरूर मंथन करिओ जी, अपनी रोज अखबार छपदियां पंजाबी दीआं, देश अंदर मात्र एक ही ऐसा धर्म आ और एक ही ऐसी बाणी, एक ही ऐसी भाषा है पंजाबी, तुसी अपनी ये मेरी गल नूं जरूर विचारियो, चितारियो और जरूर सोचो जी इहनूं। तुसी जिद्दण दी मर्जी तुहाडा दिल करे अखबार चुक लियो, जिहड़ी मर्जी पंजाबी दी अखबार चुक लियो जी, एक सफा तुहानूं मिलेगा जिहड़ी अपने सिखां ने अपने सिखां दे उत्ते प्रहार कीता होगा, अपने सिखां ने अपने सिखां दे उत्ते अटैक किया होगा, बाणी दे बारे च बोलिया होगा, गुरमुखां दे बारे च बोलिया होगा, गुरसिखां दे बारे च बोलिया होगा, सिंह साहिबानां दे बारे च बोलिया होगा, पाठी सिंघां दे बारे च बोलिया होगा, पूरा एक सफा तुहानूं मिलेगा अखबार के अंदर। और बड़ी छोटी जी कि दो लाइनां की खबर होगी कि एक सिख बच्ची जिहड़ी बहुत गरीब परिवार तो सीगी वह IAS बन गई, बड़ी छोटी जी डब्बी के अंदर जिहड़ी पढ़ी ना जा सकदी वह इन्नी छोटी जी खबर होगी। केवल ये पता नहीं क्यों पर यह अपने ही धर्म अंदर, किसी धर्म की कोई खबर मैं दिखा दो अखबार अंदर, एक भी दिन कभी ऐसी अखबार च खबर आई हो जो उस धर्म के लोगों ने उस धर्म उत्ते अटैक किया हो, किसी धर्म की खबर इस तरह नहीं आती, केवल अपने धर्म की और नित आ रोज आ। पर यह भी मुबालक दसवें पातशाह की कमाल आ, धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बख्शिश आ, फिर भी असं सब तो ज्यादा प्रफुल्लित हाँ, यह साढ़े मालक की बख्शिश आ। सो मैं तुहाडा बहुत धन्यवादी हाँ, बाबा जी का बहुत धन्यवादी हाँ, ये साडा हेमकुंट शब्दी जत्था मैनू इत्थे आउण दा बहुत मौका मिलिया, इन्हां दा मैं बहुत दिल दीआं गहराइयां चों धन्यवाद करदा, क्योंकि असीं संस्थावां नाल जुड़े हाँ, कोई दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नाल जुड़िया है, कोई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल जुड़िया है, पर अपने आप अंदर एक संस्था बना के उन्हां नूं फिर गुरु चरणां नाल जोड़ना, इहदे वास्ते बड़ा जज्बा चाहिए है और तुसीं उस जज्बे नूं बड़े लंबे सालों तो दिखाते आ रहे जी, मैं तुहाडा दिल दीआं गहराइयां चों धन्यवाद करदा हाँ। परम पिता परमेश्वर साढ़े सारे ते कृपा करे, जिथे सानू अपने पालक अपने पवित्र गुर चरणा कमलों की सेवा बख्शे, उत्थे ही सानू देश और कौम की सेवा करने का जज्बा बख्शे।
साडे आने वाली पीढ़ी अंदर इन्ना जज्बा होवे। जिवें कादरी जी ने कहा सीगा कि जदों साडी कौम फतेह बुलावे ते दुनिया नूं पता लग जावे कि ये शेर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज के बच्चे ने। जदों बच्चे गरजन पर खाली हुण गरजन ही ना, उन्हां दी कलम जिथे शमशीर चले उत्थे कलम भी चले। ऐसी दाता साडे सारयां ते बख्शिश करे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुल चुक दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुणा क होवै बासला कंडवास लीजै, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करीजै। सांझ करीजै गुण है केरी छोड़ अवगुण चली है, पहरे पटंबर कर अडंबरे अपना पिड़मली है। जिथे जाए बइए भला कहिए चोले अमृत पीजै, गुणा का होवे बासला कंडवास लीजै। असल विच गुणा की सांझ करन लई कह के गए ने, असी गुणा की सांझ करिए औगुणा की सांझ ना करिए। साडा एक सुभाव बन गया है कि असी औगुणा की सांझ छेती करते हैं, गुणा की सांझ करते नहीं। सिरसा साहब जी ने बोलदिया होया बतौर जनरल सकत्तर दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी वालों एक गल उचेचे तौर पर कही है कि असी सोशल साइट्स नूं इस करके ना वरतीए कि अपने औगुणा नूं फैलाईए गुणा की गल भी करिए। सिख हो जो दूजे की गुण की गल करता है, औगुणा की तो हर कोई करी जाता है। गुरु साहब ने गुणा की गल करन दी कीती गल। मैं बेनती करांगा सत्कारयोग सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा जनरल सकत्तर साहब, उन्हों का सत्कार करना है। बाबा जी होरां नूं बेनती है सिरसा साहब जी का सत्कार करनगे जी। मैं बेनती करांगा बाबा जी सिरसा साहब का सत्कार पहले कर लीए, फिर नाल ही मैं बेनती करांगा साडे बड़े सत्कारयोग बड़ी सत्कार हस्ती ने ज्ञानी अमरजीत सिंह जी गुलशन यूके तो आए ने। सिख विद्वाना विच उन्हां दा बड़ा वड्डा योगदान है और इंग्लैंड की धरती से जिहड़े तीन चैनल चलते ने उन्होंने हमेशा ही वो गुरमुख का प्रचार ते प्रसार करते ने। सिरसा साहब जी का सत्कार। बोले सो निहाल। सत्कारयोग बाबा गुरदेव सिंह जी भाईकी समाध वालों भाई सतनाम सिंह जी उन्होंने सुनेहा लैके आए ने। मैं बेनती करांगा बाबा जी लई उन्होंने भाई सतनाम सिंह जी उन्होंने सत्कार करना है। मैं अदब नाल बेनती करांगा वह भी सत्कार प्राप्त करनगे जी। सरदार अमरजीत सिंह जी पप्पू जॉइंट सकत्तर भी हाजिर होए ने, मैं बुलाउना जी। सत्कारयोग बाबा जोगिंद्र सिंह जी खालसा उन्हां वालों भी फोन आया सिख चैनल यूके दे सिख कौंसल यूके वालों एंबेसडर पीस ने उन्होंने बधाई दिती है। हजूर साहब तो रंगी साहब जी ने बधाई दिती है। सत्कारयोग बाबा बलवीर सिंह जी बुढ़ा दल वाले ने भी आप जी बधाई दिती है। हुणे ही उन्होंने फोन आया सत्कारयोग बाबा बलवीर सिंह जी बुढ़ा दल के मुखी, उन्होंने भी भाई सतनाम सिंह जी उन्होंने सन्मान कर लो जी। पहले भाईकी समाध वालों आए ने, उन्होंने भी सन्मान देना जी। मैं बेनती करांगा उन्होंने सन्मान होना। सिरसा साहब जी थानू बाबा जी ने फिर माइक पर आने लिये कहा। मैनू महापुरखों वालों हुक्म होया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों जिहड़ी संस्था सर्वधर्म सम्मेलन विश्व सम्मेलन के नाम से एक पीस मिशन नूं लैके चली आ, उन्हां दे वास्ते इन्हां नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों दिल्ली के अंदर अपना दफ्तर स्थापित करने वास्ते स्थान दिता जाए। और मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का सेवादार होने के नाते बाबा जी को यकीन दवाना है कि जिस दिन भी आप जी हुक्म करोगे उस दिन तुहानू दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों संगतां दे सहयोग के नाल आप जी इस कार्ज नू अगे वधा सको उहदे वास्ते तुहानू दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के हैडक्वार्टर अंदर आप जी नू उहदे वास्ते दफ्तर मुहैया करा दिता जाऊगा। वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शुक्रगुजारा सिरसा साहब, तुसीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारे धर्मां नूं बुकल विच लै लिया। सिरसा साहब का जरूरी रजेवा, उन्होंने जाना करके हाजरी तो छुट्टी ली है जी। शुक्रगुजारा साहब अमरजीत सिंह जी पप्पू जॉइंट सकत्तर भी पहुँचे ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के, उन्हों नूं बेनती करांगा वह भी सतगुरु की बख्शिश प्राप्त करनगे जी। सो शुक्रगुजारा जी। बड़े अदब नाल बेनती करांगा सत्कारयोग ज्ञानी अमरजीत सिंह जी गुलशन साडे सिख विद्वान ने
अच्छा जी बाबा गुरदेव सिंह जी भाईकी समाध वालों सतगुरु की बख्शिश लैके आए ने महापुरशां लई सत्कार जो बाबा लखा सिंह जी लई बड़े अदब नाल बेनती करांगा कि वह सत्कार प्राप्त करनगे क्योंकि उन्होंने कार्यां की प्रशंसा करते हुए महापुरशां ने उचेचे तौर पर बधाई भी भेजी है। बोले सो निहाल सत्कारयो ज्ञानी अमरजीत सिंह जी गुलशन जिहड़े यूके तो आए ने आप जी नाल बधाई सांझी कर रहे हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।